लेट्स टू क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट थ्री दैट इज फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स हमें ये फॉलोइंग डिविजन्स करनी है तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट है हमारा टेन एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव को हमें डिवाइड करना है फाइव से तो कैसे करेंगे तो देखिए टेन एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव को डिवाइड बाय फाइव कर लेते हैं अब देखते हैं ऊपर से क्या कॉमन निकल सकता है तो देखिए फाइव के टेबल में टेन भी आता है ट्वेंटी फाइव भी आता है तो हमने फाइव कॉमन निकाल लिया तो फाइव कॉमन निकाला तो क्या होता है फाइव टू तो टू और x माइनस अब देखिए फाइव फाइव ज ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पे फाइव लिख दिया अपॉन फाइव एज इट इज आ गया अब इन दोनों की मल्टीप्लाई है तो ये और ये कैंसिल हो सकते हैं आराम से ब्रैकेट के बाहर का मतलब होता है मल्टीप्लाई तो ये कैंसिल हो गए तो हमारा कितना आंसर आ गया 2x एक्स माइनस फाइव इज द आंसर लेट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारा 10x एक्स माइनस ट्वेंटी को हमें डिवाइड करना है किससे 2x एक्स माइनस से तो कैसे करेंगे तो देखिए ऊपर की वैल्यू ऊपर लिख देते हैं टेन एक्स माइनस ट्वेंटी नीचे की वैल्यू नीचे लिख देते हैं टू एक्स माइनस फाइव ब्रैकेट में राइट right? अब ऊपर वाली वैल्यू अगर आप देखें तो फाइव कॉमन आ रहा है ऊपर वाली वैल्यू से जो हम अभी अभी हमने लास्ट पार्ट में भी किया था तो फाइव कॉमन लिया तो कितना आया देखिए फाइव टू जा टेन तो टू और एक्स एज इट इज माइनस फाइव फाइव ज ट्वेंटी फाइव तो एज इट इज लिख दिया अपॉन टू एक्स माइनस फाइव अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो ए इंटू बी अपॉन बी हो तो बी भी कर सकता है राइट right? जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो कोई सा भी नंबर कर सकता है तो ये देखिए पूरा ब्रैकेट एक जैसा सा है तो पूरा ब्रैकेट का ब्रैकेट कैंसिल हो गया तो कितना आंसर बच गया हमारा फाइव इज द आंसर क्योंकि फाइव ही बचा है तो फाइव इज द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ थर्ड पार्ट है हमारा टेन वाई इंटू सिक्स वाई प्लस ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाय फाइव इंटू टू वाई प्लस सेवन तो इसको लिख लेते हैं टेन वाई इंटू सिक्स वाई प्लस ट्वेंटी वन अपॉन फाइव इंटू टू वाई प्लस सेवन तो कैसे करेंगे देखिए अब यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे इन दोनों की तो ये आप देखें सेम नंबर से कैंसिल होता है तो फाइव वन जो फाइव फाइव टू जो टेन तो इसको हम क्या लिख सकते हैं क्या बच गया टू और देखिए ये वाला वाई तो टू वाई इंटू सिक्स वाई प्लस ट्वेंटी वन अपॉन टू वाई प्लस सेवन अब देखते हैं इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है कि नहीं तो देखिए टू के सॉरी थ्री के टेबल में सिक्स भी आता है और ट्वेंटी वन भी तो हम थ्री कॉमन निकाल लेंगे तो देखिए हमने टू वाई एज इट इज लिखा मल्टीप्लाई का साइन लगाया और थ्री कॉमन निकाला क्यों मल्टीप्लाई का साइन लगाया इसकी और इसकी ब्रैकेट की मल्टीप्लीकेशन थी और तो अगर इसमें से कुछ कॉमन निकाल रहे हैं तो बीच में मल्टीप्लाई का ही साइन लगेगा उसकी मल्टीप्लाई आप चाहें तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं आप देखिए इसमें से थ्री कॉमन निकला तो थ्री टू जा सिक्स तो टू वाई और थ्री सेवन ट्वेंटी सेवन एज इट इज आप देखिए इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई है और नीचे डिवाइड में ये वाला ब्रैकेट सेम है तो कैंसिल हो जाता है राइट right? तो ये कैंसिल हो गया अब क्या बचेगा हमारा देखिए कांस्टेंट की इन तीनों की मल्टीप्लाई थी तो ये दो बचे तो इस कांस्टेंट की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई थ्री टू जो सिक्स और वाई तो सिक्स वाई इज द आंसर लेट्स यू नेक्स्ट पार्ट नाउ फोर्थ पार्ट इज नाइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू थ्री जेड माइनस ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सेवन एक्स वाई जेड माइनस एट तो चलिए लिख लेते हैं डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेंटी सेवन एक्स वाई एंड जेड माइनस एट तो देखिए नाइन के टेबल में ट्वेंटी सेवन भी आता है और नाइन भी आता है तो नाइन वन ज नाइन नाइन थ्री ज ट्वेंटी सेवन आप देखिए x की पावर टू है y की पावर टू है और यहाँ एक्स वाए है तो हम डिवाइड कर सकते हैं इजिली तो हमने कहा डिवाइड में क्या होता था पावर्स माइनस हो जाती थी तो हमने x की पावर टू में से वन माइनस किया y की पावर टू में से वन माइनस किया फिर से बता रही हूँ डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती थी दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस तो ये सेम वेरिएबल्स हैं तो पावर माइनस हो गई है अब ये ब्रैकेट एज इट इज और ये ब्रैकेट एज इट इज अपनी अपनी जगह पर ट्वेंटी फोर अपॉन देखिए यहां थ्री है और एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है तो थ्री इंटू जेड माइनस एट तो इसको क्या लिख सकते हैं देखिए एक्स की पावर क्या आ जाएगी टू में से वन, गया वन, तो वन को लिखने की जरूरत नहीं है इसी तरीके से वाई की पावर टू में से वन गई तो वन उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है थ्री जेड माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन थ्री इन जेड माइनस एट अब देखिए इन दोनों को अगर आप देखें तो थ्री के टेबल में थ्री भी आता है और ट्वेंटी फोर भी तो हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं थ्री कॉमन ले लिया तो एक्स वाई इन टू थ्री अगर थ्री कॉमन ले, ले लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे थ्री कॉमन लिया तो z बचा माइनस थ्री एट ट्वेंटी फोर तो एट लिख दिया अपॉन थ्री इंटू जेड माइनस एट अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई है तो हमें देखिए z माइनस एट कैंसिल हो गया और थ्री कैंसिल हो गया तो आंसर क्या बच गया

नाइन्टी सिक्स ए बी सी इंटू थ्री ए माइनस ट्वेल्व फाइव बी माइनस थर्टी डिवाइडेड बाय वन फोर्टी फोर ए माइनस फोर एंड बी माइनस सिक्स तो कैसे करेंगे देखिए अब इन दोनों को कांस्टेंट को काटने की कोशिश करते हैं कि कटते हैं कि नहीं टू फोर ज ए टू एट जिक्सटीन टू सेवन ज फोर्टीन टू टू ज फोर टू टू ज फोर टू फोर जा एट टू थ्री जा सिक्स टू सिक्स जॉ टूल्व अब सिक्स के टेबल में दोनों आते हैं सिक्स फोर जा एन सिक्स सिक्स ज अब टू से चला जाएगा टू टू ज फोर टू थ्री जा सिक्स दैट्स इट तो हमने लिखा टू अपॉन थ्री ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर वाली, वाली में लिख देंगे ए बी सी एज इट इज अब थ्री ए माइनस ट्वेल्व फाइव बी माइनस थर्टी अपॉन ए माइनस फोर एंड बी माइनस सिक्स अब क्या कर सकते हैं देखिए इस ब्रैकेट को देखें तो थ्री के टेबल में दोनों आते हैं और इस ब्रैकेट को देखें तो फाइव के टेबल में दोनों आते हैं तो हम हम कॉमन निकालेंगे 3 थ्री और फाइव तो हम इसको क्या लिख सकते हैं देखिए टू ए बी सी एज इट इज इन टू पहले वाले ब्रैकेट में से थ्री कॉमन निकाला तो क्या बच गया देखिए थ्री इंटू ए थ्री ए और थ्री फोर ज ट अब इसी तरीके से दूसरे वाले ब्रैकेट में से फाइव कॉमन निकालेंगे तो फाइव कॉमन निकाला तो क्या बच गया फाइव इंटू बीज फाइव बी माइनस फाइव सिक्स जा थर्टी राइट अपॉन में एज इट एज सेम वैल्यूज लिख देंगे तो थ्री इंटू ए माइनस फोर एंड बी माइनस सिक्स अब देखिए ऊपर वाली वैल्यूज़ की सबकी आपस में मल्टीप्लाई है तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे ए माइनस फोर कैंसिल हो गया बी माइनस सिक्स कैंसिल हो गया और थ्री कैंसिल हो गया तो क्या बच गया टू ए बी सी बचा और फाइव बचा तो ये कितना आ गया कॉन्स्टेंट की कॉन्स्टेंट में मल्टीप्लाई तो टेन आ गया तो टेन ए बी सी इज़ द आंसर